हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हो टेक सल्यूशन और मैं हूं सुनील। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से अपने कंप्यूटर में यूट्यूब को इंस्टॉल कर सकते हो, चाहे वो आपका लैपटॉप हो या डेस्कटॉप हो, आप उसमें यूट्यूब को इंस्टॉल कर सकते हो। 2021 से पहले आप यूट्यूब को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं कर सकते थे, बट यूट्यूब के कुछ नए अपडेट्स आए जिसकी हेल्प से आप यूट्यूब को अपने विंडोज में इंस्टॉल कर सकते हो। देखिए, यहाँ पर मैंने अपने कंप्यूटर में यूट्यूब को इंस्टॉल कर रखा है और इसके अंदर मैं सेम अपने मोबाइल जैसा फील यूज कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ से साइन इन करूँ तो मैं यहाँ से वीडियोस को डाउनलोड कर सकता हूँ ऑफलाइन प्ले के लिए, और यहाँ से हम इसके ट्रेंडिंग पेज को भी देख सकते हैं। यहाँ पर सेम आपको यूट्यूब एप्लीकेशन जैसा फीचर मिलता है, जैसा आप गूगल क्रोम में सर्च करने के बाद देखिए, मैंने यहाँ पर YouTube सर्च किया है और जैसा यहाँ पर आपको मिल रहा है, सेम आपको इस आपके एप्लीकेशन में भी मिलेगा जो आप इंस्टॉल करोगे। तो मैं दोनों को साइड बाय साइड कंपेयर करके आपको दिखा देता हूँ। देखिए, दोनों में आपको सेम लुक मिल रहा है और सेम तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो। बट ये था कि पहले आपको इसे क्रोम में यूज करना पड़ता था, बट आप इसे एज अ सेपरेट एप्लीकेशन यूज कर सकते हो। अगर मैं यहाँ से क्रोम को क्लोज भी कर दूं तो ये यहाँ पर चल रहा है, बट ये हम क्रोम की हेल्प से ही चला रहे हैं। तो उसके लिए एक ट्रिक है, तो पहले मैं इसे अनइंस्टॉल कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आप इसे किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हो। तो उसके लिए इस वीडियो को पूरा देखिए अंत तक और चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अभी मैंने अपने कंप्यूटर से यूट्यूब को भी अनइंस्टॉल कर दिया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप यूट्यूब को अपने कंप्यूटर में कैसे इंस्टॉल कर सकते हो। तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपने क्रोम ब्राउजर को ओपन करना होगा, उसके बाद यहाँ पर टाइप कीजिए youtube.com, उसके बाद यहाँ से इंटर हिट कीजिए। अब देखिए, आपका यूट्यूब ओपन हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, राइट टॉप में यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन आ रहा होगा इंस्टॉल यूट्यूब, आपको इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद कुछ इस तरह से पॉपअप आएगा, आपको इंस्टॉल पर क्लिक कर देना है। अब देखिए, आपका यूट्यूब इंस्टॉल हो चुका है। अगर आप क्रोम ब्राउजर को काट देते हो तो उससे कोई मतलब नहीं पड़ता। हाँ, आप क्रोम ब्राउजर को अनइंस्टॉल मत कीजिएगा, नहीं तो यह भी रिमूव हो जाएगा, क्योंकि ये आपके एक्सटेंशन में डाउनलोड हुआ है, मतलब गूगल क्रोम के एक्सटेंशन में डाउनलोड हुआ है। अगर आपको इसे चेक करना है तो आप अपने कीबोर्ड से Ctrl+N प्रेस कीजिए, आपका गूगल क्रोम ओपन हो जाएगा, क्योंकि ये एक तरीके से आपका गूगल क्रोम ही है जो कि एक सेपरेट यूट्यूब के टैब में ओपन हो रहा है और आपको सेम यूट्यूब के फीचर्स दे रहा है। अगर आप इसे ही क्लिक करके Ctrl+H प्रेस करते हो तो आप डायरेक्ट हिस्ट्री को चेक कर सकते हो, और यहाँ पर जाइए, देखिए यहाँ पर एप्स का ऑप्शन दे रखा होगा, इस पर क्लिक कीजिए। देखिए, यहाँ पर आपके पास दो यूट्यूब का ऑप्शन आ रहा होगा। ये जो लेटेस्ट हमारा इंस्टॉल हुआ है, ये एक्सटेंशन हमारे डेस्कटॉप पर भी ऐड हुआ है, देख लीजिए यहाँ पर, और ये आपके यहाँ पर भी ऐड हुआ होगा। देखिए, यहाँ पर है हमारा यूट्यूब, देखिए यहाँ पर क्रोम एप्स में भी यहाँ पर एडिट हो चुका है यूट्यूब। इसी तरीके से कुछ ऐसे पेज हैं क्रोम पे जिसे आप इंस्टॉल कर सकते हो और एज अ सेपरेट एप्लीकेशन भी यूज कर सकते हो। देखिए, यहाँ पर आपको उसके बाद ट्रेंडिंग का ऑप्शन मिल रहा है, जिसके अंदर आप ट्रेंडिंग वीडियोस को देख सकते हो, म्यूजिक को देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आप जिस भी बंदे को सब्सक्राइब कर रखा होगा या जिस भी यूट्यूब चैनल को, वो यहाँ पर आपका शो करेगा। और लाइब्रेरी में अगर आप साइन इन करते हो तो आपका हिस्ट्री और जो भी आप डाउनलोड करते हो वो आपको शो कर देगा। अभी मैं मिनिमाइज करता हूँ और इस गूगल क्रोम को क्लोज कर देता हूँ। तो देखिए, अभी भी ये मेरा यूट्यूब रन कर रहा है और मैं इसमें कोई भी वीडियो प्ले कर सकता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ टेक सॉल्यूशन, देखिए ये रहा मेरा चैनल, और यहाँ पर आप जैसे YouTube आप अपने मोबाइल में यूज करते हो उसी तरीके से आप इस क्रोम में भी यूज कर सकते हो। देखिए, ये है मेरा दूसरा चैनल फुल ट्यूटोरियल। इस चैनल पर मैं वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड कंटेंट डालता रहता हूँ। अभी मैंने आफ्टर इफेक्ट पर 4 से 5
वीडियोस डाल दिया है इस YouTube चैनल पर, तो आपको अगर After Effects में इंटरेस्ट है तो आप हमारे दूसरे चैनल फुल ट्यूटोरियल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, और वहां पर मैं ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट डालता रहता हूं, तो आप वहां से कुछ लर्न कर सकते हो। साथ ही मैं इसी चैनल पर वेबसाइट बिल्डिंग से लेकर HTML एंड CSS से भी रिलेटेड वीडियोस डालूंगा। अगर आपको उन सभी में इंटरेस्ट है तो आप हमारे चैनल फुल ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब कर सकते हो इस रेड बटन को दबाकर, और नोटिफिकेशन बेल आइकन को इनेबल कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो उस पर अपलोड करूं तो आप उसे डायरेक्ट नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे देख सकते हो। इसके बाद अगर आपको इसे अनइंस्टॉल करना है तो उसके लिए भी एकदम सिंपल है। आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल एन प्रेस कीजिए और आपका क्रोम का टैब ओपन हो जाएगा, और यहाँ पर जाइए एप्स में और यहाँ से यूट्यूब पर राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा रिमूव फ्रॉम क्रोम ऐप इन्फो। जैसे आप इस पर क्लिक कर दोगे उसके बाद यहाँ पर आपके सामने एक पॉपअप आएगा जिसमें आपके पास ऑप्शन रहेगा रिमूव और कैंसिल। आप रिमूव पर क्लिक कर दीजिए। अगर आप इस ऑप्शन को चेक मार्क कर देते हो जो भी आप डाटा इस सेपरेट एप्लीकेशन में यूज कर रहे हो इस वाले में वो सब डिलीट हो जाएगा आपके क्रोम हिस्ट्री से, तो आप चाहते हो तो वो कर सकते हो, बट मैं नहीं चाहता इसलिए रिमूव पर क्लिक कर सकते हो आप। उसके बाद आपका जो एप्लीकेशन है वो रिमूव हो जाएगा। अगर आपको उसे इंस्टॉल करना है डायरेक्ट सर्च कीजिए youtube.com। YouTube को ओपन कीजिए। देखिए यहाँ पर इंस्टॉल के लिए ऑप्शन आ चुका है, जैसे मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा इंस्टॉल, और ये हमारा इंस्टॉल होके अनदर टैब में ओपन हो चुका है। तो इसी तरीके से आप भी अपने डेस्कटॉप में या लैपटॉप में YouTube को इंस्टॉल कर सकते हो इसी मेथड को यूज करते हुए। अगर इस वीडियो में आपने कुछ नया सीखा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे दूसरे चैनल फुल ट्यूटोरियल को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आगे ग्रो हो सके और आपके लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट को लाते रहे। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो @MrShivakumar। इंस्टा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से हमें फॉलो कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।